जम्मू कश्मीर वेलफेयर वुमेन वेलफेयर सोसाइटी जिस के कोऑर्डिनेटर हैं या जिस सोसाइटी को चलाते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अपने तिलकराज शर्मा जी, उनकी टीम, उन्होंने आरसपुरा में स्विंग सेंटर का एक कैंप लगाया जिसको स्पॉन्सर किया उषा ने और सिद्धि ने, और उनकी उषा का मैनेजमेंट भी और सिद्धि वालों का मैनेजमेंट भी यहाँ आ रहा है। उषा वाले जो कंपनी है उनकी तरफ से महिलाओं को जो आरसपुरा से 25 महिलाएं इन्होंने सेलेक्ट किया अलग अलग विलेज से, उनको मशीन को इंस्टॉल करना, उसे रिपेयर करना और इनको सिलाई सिखाएंगे। हम आरसपुरा की तरफ से इनके धन्यवादी हैं कि इन्होंने 25 महिलाओं को सिलाई मशीन भी दी, उनकी 9 दिन की ट्रेनिंग भी देंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये महिलाएं अपना रोज़गार भी पैदा करेंगी और अपने अपने गाँव में कुछ बच्चियों को और महिलाओं को इस लायक बनाएंगी कि वो भी अपना रोज़गार पैदा कर सकें। उषा और सिडबी की पार्टनरशिप के अंडर हम ये उषा स्वावलंबन सिलाई स्कूल इनॉग्रेट आज किया हमने आरसपुरा जम्मू में। इस प्रोग्राम के तहत हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं, एक तो रिपेयर मशीन रिपेयरिंग का है और लाइफ स्किल का है और जो सिलाई स्टिचिंग का, 3 कंपोनेंट्स है। तो इन 3 कंपोनेंट्स में जो ये महिला है मशीन रिपेयरिंग सीखेगी और सिलाई भी सीख पाएगी। और इस कार्यक्रम में हम मशीन्स प्रोवाइड करेंगे उनको एंड सर्टिफिकेट्स दी जाएंगे और उनको आगे जाके कितने दिन का कैंप रहेगा जी? ये 9 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है और 9 डेज के प्रोग्राम में 3 चीज़ें कवर होंगी। कितने लोग महिलाएं इसमें हिस्सा ले रही हैं? 25 महिलाएं इसमें हैं जो आरसपुरा जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हमने ली है और वो डिफरेंट विलेज से आ रही है। इनको सिलाई मशीनें भी दी जाएंगी? हाँ, सिलाई मशीन इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी और सर्टिफिकेट दी जाएगी, साइनेज बोर्ड दिया जाएगा ताकि ये यहाँ से 9 डेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद ये अपने घर में अपना सिलाई स्कूल चला सके और वहाँ की महिलाओं को भी ट्रेन कर सके। खुद के पैरों पे खड़ी हो जाती हैं और अपने परिवार की भी मदद करती हैं। देखिए, अपने बच्चों के लिए एक माँ जो कर सकती है तो उसके लिए हम इनको तैयार करते हैं भी अपने घर से ये काम करके अपने पैरों पे ये खड़ी हो जाती।